नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण वर्मा, मेरी उम्र है 6 साल। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है यात्रा। पापा की ड्यूटी, मम्मा की ड्यूटी और घर के कामों से कब मिली ना छुट्टी। नींद में थी या देख रही थी सपना सुहाना, मम्मी का पैकिंग करना और पापा का रिजर्वेशन करवाना। जल्दी जल्दी हो जाओ तैयार, ट्रेन कर रही होगी हमारा इंतजार। जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचे, रेलगाड़ी आई और हम उसमें बैठे। पापा ने बताया झील का शहर और बर्फ के घर होंगे। जहां हम जा रहे हैं वहां कई पहाड़ कई झरने होंगे। कब पहुंचेंगे पता नहीं। रेल चल रही थी चुक चुक, मैं और मेरी छोटी बहना खिड़की से देख रही थे टुक टुक। आंख लगी सोचते हुए, हमारी रेल यात्रा खत्म हुई सपना देखते हुए। फिर हम उतरे स्वर्ग सी जमीन पर, जहाँ छोटे छोटे घर तैर रहे थे ढल झील पर। सचमुच था ये झीलों का शहर। बर्फ, पहाड़, झरने, ये सब कितने सुंदर। श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग के कितने सुंदर नजारे थे। थकते, गिरते, उठते, फिर भी हमने खुशी खुशी निहारे थे। सोचा क्या ये सचमुच हमारे सपनों की ताबीर है? क्या ये कश्मीर है? हाँ, यही थी जन्नत मेरे भारत की। यही तो थी हमारे शहीदों के शहादत की। मन किया यही रुक जाओ, कैसे छोड़ कर जाऊं। फिर माँ ने कहा, ये प्यारी प्यारी यादें अपने आँखों में रख लो, जल्दी वापिस आएंगे, लौटने का वादा कर लो। मन तो भारी था फिर भी लौट आए, उस जन्नत से, शहर से, उस बर्फ के घर से। धन्यवाद।